मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बात यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि ये हिंसक घटनाएं एबीवीपी के द्वारा सिर्फ कल के से शुरू नहीं हुआ है, ये परसों यानी शनिवार के दिन 4 जनवरी से शुरू हुआ है। उस बात को शुरू करने से पहले हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड जाना पड़ेगा, आखिर ये घटनाएँ क्यों घट रही हैं। आप सभी को मालूम है कि जेएनयू कैंपस में पिछले 70 दिन से एक आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन फीस वृद्धि के खिलाफ है। वो आंदोलन एक सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और उस आंदोलन एक सफल होने की दिशा में बढ़ रहा है। तो उससे एक बौखलाहट में वाइस चांसलर एक नया चाल चला कि कैसे इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए उसने एक नई चाल चली, उसने एबीवीपी के छात्रों को एक नई छूट दी कि आप जाइए और उन छात्रों के ऊपर अटैक कीजिए। शनिवार के दिन 4 जनवरी को वो लोग स्कूल एरिया में गए और वहाँ पर छात्रों के साथ लोग मारपीट करना शुरू कर दिए। पूरे दिन मारपीट का मंजर चलता रहा। वहाँ पर न केवल एबीवीपी के छात्र थे बल्कि अश्विनी महापात्रा खुद उन्होंने मेरे साथ मतलब मुझे उन्होंने ढकेला, उन्होंने मुझे मारा। मजहर आसिफ, तपन बिहारी, ये लोग और स्टूडेंट को बाकी लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे। पूरा मंजर दिन भर चलता रहा ये। हम लोग पुलिस को कॉल करते रहे, सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करते हैं, प्रॉक्टर को कॉल करते रहे, कोई बचाने नहीं आया। सभी छात्रों में एक डर का माहौल हो गया था। रात को हम लोगों ने एक पीस मार्शल कॉल दिया ताकि छात्रों के मन से ये डर खत्म हो, ताकि लोगों के अंदर से विश्वास आए कि नहीं, कैंपस में अभी भी लोगों के अंदर यूनिटी है। शनिवार की रात को हम लोग पीस मार्च किए, पूरा सफल हुआ, लोगों के अंदर ये विश्वास भी आया। हम लोग रविवार को पूरे दिन स्कूल एरिया में बने रहे। रविवार के दिन 4 बजे इसी जगह पे JNUTA ने एक कॉल दिया, एक पब्लिक टॉक का, उसका विषय था कि कैंपस में कैसे पीस हारमोनी को मेंटेन किया जाए, जो एक डेमोक्रेटिक कल्चर था कैसे उसको मेंटेन किया जाए। तो उसको ज्वाइन करने के लिए जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल एरिया से बढ़े और हॉस्टल टू हॉस्टल लोगों को मोबिलाइज करते हुए इधर आ रहे थे। वो जब स्टूडेंट जब पेरियार के पास पहुंचे, अचानक फिर से वहाँ पे एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने, एबीवीपी के एक्टिविस्ट ने, एक्टिविस्ट और स्टूडेंट कहना उनको बहुत मुनासिब वर्ड नहीं है, उनको अगर गुंडा कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन वे लोग तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये हिंसा आप लोगों की तरफ से की गई। मैं उस पर भी आताऊँगा, पहले मैं अपनी बात को कम्प्लीट करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर वो लोग पत्थर से अटैक किए, लाठी डंडा से अटैक किए, बहुत सारे साथी वहाँ पर घायल हुए। घायल छात्रों को हम लोग एम्स ट्रामा सेंटर में लेकर के गए। उसके बाद से बाकी जो छात्र थे वो लोग यहाँ पे इस जगह पे आए और उसको ज्वाइन किए। ये ज्वाइन करने के बाद से वो पूरा सफल रहा। 5:30 बजे के 5-6 बजे के आसपास वो आपका पब्लिक टॉक ख़त्म होता है। पब्लिक टॉक ख़त्म होने के बाद से क्या सुनने को मिलता है कि मेन गेट पर कुछ लोग इकट्ठे हो रहे थे, कुछ नकाबपोश थे, उस भीड़ को आपको लीड कर रहे थे तपन बिहारी, जो आपके CPS के टीचर हैं, जो आपके पेरियार हॉस्टल के सीनियर वार्डन भी हैं। वो लोग उससे नकाब के साथ, लाठी डंडों, पत्थर के साथ फिर से आए और लोगों के पर फिर से अटैक करना शुरू कर दिए। यहाँ पर एक प्रोफेसर है सुचरिता सेन, उनका उन लोगों ने मार के सर फोड़ दिया। जो हमारी प्रेसिडेंट हैं ऐसी घोष हैं, उनका उन लोगों ने मार कर सर फोड़ दिया। बाकी लोगों को लोग दौड़ा दौड़ा करके मार रहे थे। ये मंजर पूरा मॉब लिंचिंग का माहौल बना हुआ था। उसके बाद यहाँ से वो लोग साबरमती हॉस्टल गए, पीछे जो हॉस्टल है वहाँ पर पूरा वैंडलाइज किया, गेट को तोड़ दिया उन्होंने, जो शीशे का गेट था। उसके बाद कुछ टारगेटेड रूम के अंदर उन्होंने गए, रूम के अंदर पूरे जो लैपटॉप थे उसको तोड़ दिया, पूरा अफरा तफरी कर दिया। एक स्टूडेंट को उन्होंने बालकनी से उठाकर नीचे गिरा दिया, उसको देख करके बहुत सारे स्टूडेंट अपनी जान बचा करके फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से कूद कर अपनी जान बचाए। ये पूरा माहौल पूरे 2 घंटे तक चलता रहा। हम लोग पुलिस को भी कॉल करते रहे, SOS का मैसेज भी भेजते रहे, JNU चीफ प्रॉक्टर को भी कॉल करते रहे, कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। तो आप बात समझिए, ये जो हिंसा जो चल रही है इस कैंपस में पिछले दिन शनिवार से 4 तारीख से ही, तो ये इसके पीछे ये है कि किस तरीके से उस मूवमेंट को कमज़ोर किया जाए और जो फीस वृद्धि का जो मामला है उसको हटा करके कैसे वायलेंस पे लाया जाए। हम लोग बार बार ये कोशिश कर रहे हैं, यूनियन की तरफ से बार बार ये कोशिश हो रही है, जो आम छात्र यहाँ का है बार बार कोशिश कर रहा है कि ऐसी घटनाएँ कैंपस में ना घटे। हम लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी छात्र किस तरीके से जमा हुए हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, लोग स्लोगनिंग कर रहे हैं या TA के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे हिंसक आपको नज़र नहीं आ रहा है। सब लोगों के अंदर एक न एक कहीं से डर दिखा है, लेकिन हम लोग उन लोगों के अंदर से डर को भी हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम लोग को यूनाइट रहना चाहिए। ये हम लोग का प्रयास हो रहा है। उनका जो प्रयास है वो क्या कर रहे हैं, लोगों के ऊपर लाठी डंडे मार रहे हैं, कैंपस के ABP के स्टूडेंट, साथ ही साथ DU से लोग आ रहे हैं। उसके बाद से जो ABP जो बाहर के लोग हैं, RSS के, BJP के लोग हैं, वो लोग आकर लड़ाई कर रहे हैं। तो वो लोग इस कैंपस के माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। और ये कैंपस ऐसा नहीं है कि पहली बार इस कैंपस में लड़ाई हो रहा है, या लोग इस कैंपस नहीं, लड़ाई तो पहली मतलब बार हुआ है, वो लोग पहली बार मारे इस कैंपस, पहली बार है इस कैंपस के। पहले देखिए, कुछ दिन पहले जामिया के अंदर किस तरीके से उन लोगों ने अटैक किया, उसके पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वहाँ पर अटैक किया, उसके पहले BHU में अटैक किया, बहुत सारे कैंपस में अटैक कर रहे हैं।
कैंपस के पीछे, कैंपस पे अटैक करने के पीछे इनका जो मंशा जो साफ दिख रही है, 2014 से उनकी गवर्नमेंट 2019 तक थी, उसमें वो लोग गौ हत्या के नाम पे पूरा एकदम मॉब लिंचिंग कर रहे थे। अभी क्या है, वो लोग सारे कैंपस को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के विपक्ष, सरकार के अगेंस्ट जो एक आवाज़ आ रही है वो कैंपस से आ रही है। अभी जो विपक्ष की भूमिका है, वो लोग कैंपस को टारगेट करते हैं। जेल में जब कोई भी एंट्री करता है तो उसकी चेकिंग होती है, फिर इतने हथियार आए कहाँ से? मैं जैसे मैंने बोला कि इस घटना में जो नेक्सस रहा है एबीवीपी का साथ प्रशासन का, क्योंकि प्रशासन का पूरा खुली छूट था। कल दिन में एबीवीपी के लोग, जो लोग खुद बोल रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लोग दिन में जो विवेकानंद का स्टैचू है जो बना है अभी वहाँ पर लोग बैठे रहे, वो स्टैचू 100 मीटर के अंदर है, वो लोग दिन भर बैठे रहे, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया। और जब स्टूडेंट कोई प्रोटेस्ट करता है तो वहाँ पर जो एडमिन है 100 मीटर के दायरे को लेकर तुरंत पुलिस बुलाता है, लेकिन उनको वहाँ पर बैठने दिया। परसों जब लड़ाई कर रहे थे तो कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं मिलने आया, कोई चीफ प्रॉक्टर नहीं मिलने गया, सिक्योरिटी गार्ड कोई मिलने नहीं गया। आज सब कुछ सारे घटना होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि आज वाइस चांसलर बैठ करके वहाँ पे एड ब्लॉक में आपका रिक्रूटमेंट कर रहा है, वाइवा ले रहा है। वो उसको टाल सकता था, पोस्टपोन कर सकता था, इतनी घटना घटी है, लेकिन एक बार भी प्रशासन की तरफ से एक भी अधिकारी अभी तक नहीं आया है, चाहे बड़ा अधिकारी चाहे छोटा अधिकारी, कोई भी अभी तक इसकी सुध लेने नहीं आया है। तो इसमें पूरा नेक्सस है प्रशासन का, और प्रशासन के लोगों का इसमें मिली हाथ है, तभी जाकर के उसको, वो जो मॉब थी उसका वीडियो आप देखेंगे, बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं कि उनको एंट्री कराया जा रहा है। और मैंने बताया कि तपन बिहारी जो पेरियार के सीनियर वार्डन हैं, CPS के टीचर भी हैं, ये उस मॉब को कल लीड कर रहे थे और लोगों को ये खुद कल थप्पड़ थप्पड़ मार रहे थे। जो छात्र इस रास्ते से गुजर रहे थे उनको वो लोग रोक करके मार रहे थे, उनके मोबाइल छीन रहे थे, महिला साथियों के साथ बदसलूकी कर रहे थे, उनके साथ वो लोग मतलब मोलेस्टेशन का भी करने का कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे केसेस भी आए हैं। ये सारा मतलब जो हर एक प्रोसेस ये लोग शुरू किए हैं कैंपस में, ये पूरे कैंपस के कल्चर को ख़त्म किया है, और ये बहुत ही निंदनीय है, हम लोग निंदा करते हैं। और कैंपस के स्टूडेंट हम लोग ये मैसेज देते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सभी लोगों को इस विपरीत परिस्थिति में इकट्ठा होने की ज़रूरत है, इनके अन्याय के खिलाफ हमको अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। सवाल ये रहेगा कि कल जब कैंपस के अंदर ये घटना घट रही थी, आज हम देख रहे हैं कि कैंपस के चारों तरफ पुलिस प्रशासन तैनात है, लेकिन कल ये पुलिस प्रशासन कहाँ था? कल ये पुलिस प्रशासन उन दंगाइयों के साथ था। उस टाइम जब लोग दंगा कर रहे थे तो पुलिस उनके साथ ही खड़ी थी। हम लोग जिनको पहचानते हैं, लोग बोल रहे थे कि आप लोग पुलिस के लोग हैं, आप लोग रोकिए, लेकिन नहीं। उस दिन पुलिस का, कल जो है शाम को पुलिस का डंडा उन दंगाइयों के हाथ में था, पुलिस का डंडा लेकर के वो लोग हम लोग के ऊपर अटैक कर रहे थे, अलग अलग रॉड लेकर के लोग अटैक करते, पुलिस वहाँ पर चुपचाप खड़ी थी। हम लोग कॉल पर कॉल किए थे लेकिन कोई पुलिस नहीं आई। जब सारा मारपीट हो गया उसके बाद रात में पुलिस यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही थी, वहाँ पर स्टूडेंट ने उनका विरोध किया, बोला कि जब आप हम लोग मार खा रहे थे, जब हम इमरजेंसी कॉल दे रहे थे, तब आप नहीं आते हैं, और आज आप आकर के आप दिखाना चाहते हैं कि पुलिस हमारी बेस्ट। मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह से देश भर में NRC का विरोध जारी था, NRC के विरोध को दबाने के लिए ये जेएनयू में घटना करने की कोई साजिश तो नहीं लग रही? बिल्कुल, देखिए, एक जो भी कोई जेन्युइन मुद्दा चल रहा होता है तो उसको दबाने के लिए ये दूसरा मुद्दा, दूसरा प्रोपेगेंडा खड़ा कर देते हैं ताकि लोगों का ध्यान वहाँ से भटक जाए। जैसे जेएनयू के अंदर जो फीस मूवमेंट चल रहा था, ये पूरे देश में फैल रहा था, लेकिन देखते हैं क्या है कि वो मूवमेंट एक मोमेंटम पकड़ता है, तब तक एक NRC का मुद्दा आता है, उसके बाद वो मुद्दा दबता है, NRC का मुद्दा चलता है। जब NRC का मुद्दा अपने पीक पे आता है, फिर वो घटना जो जामिया में हुआ था उसके बाद यहाँ पे घटवा मतलब होता है। अब क्या, अब NRC का मुद्दा जो मीडिया के जो एक जो चैनल है जो लोग कवर कर रहे थे वहाँ से हट करके अब जेएनयू के मुद्दा फिर से आ गया। तो जिस पे सोल्यूशन लोग चाहते हैं उसको नहीं ये बात सुनेंगे, ये अपना प्रोपेगेंडा तय रखते हैं कि जानबूझ करके लोगों का ध्यान भटका कर रखा जाए। एक एक सवाल GTV पर, जी न्यूज है ना, उस पर एक सवाल उस पर लिखा था मैंने, जब देखा कि वहाँ पर के जो लैब के छात्र हैं वो वहाँ पर उन्होंने ही उपद्रव किया है, उन्होंने ही लाठी डंडे से। उसका मैं प्रूफ देता हूँ, जी न्यूज एक वीडियो चलाया है, फोटो चला रहा है, जिसमें ओसी घोष का फटा हुआ सर है, वो कह रहे हैं कि ABVP का छात्र है। आप उनके वीडियो से ही प्रूफ कर लीजिए कि वो हमारी प्रेसिडेंट है, उनका सर फटा है, उनको ABVP के लोगों ने मारा है, लेकिन नरेशन ये फैला रहे हैं जो गोदी मीडिया है, जो जी न्यूज है, ये फैला रही है कि ये ABVP के छात्र है। तो फोटो हमारा लगा रहे हैं और बोल रहे हैं अटैक उनका हुआ है, इसका मतलब ये है साफ उनके फोटो से ही, उनके क्लिप से ही साफ जाहिर होता है कि अटैक ABVP के लोगों ने कॉमन छात्र के ऊपर किया है, JNU के ऊपर किया है और टीचर के ऊपर किया है। मैडम आप कैसे देखती हैं? एक चीज़ और घटना हुई है,
जो हिंसा है, जैसे यहाँ पर जो हिंसा का एक एवीपी का भी है कि हमारे पे भी हिंसा हुई है, तो कहीं ना कहीं एक तो ये है कि यहाँ के जो यहाँ आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा है उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना चाहते हैं, और एक जो पब्लिक सिंपैथी आपके साथ बन रही थी उसको भी कहीं ना कहीं ये लोग देखिए एवीपी का बिल्कुल एकदम बिल्कुल फॉल्स क्लेम है। उनके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है, कोई घटना नहीं हुआ है, बल्कि वो लोग ही परसों से मतलब पूरे दिन भर मतलब मारते रहे, कल पूरा लड़ाई का मंजर चलता रहा, और वो उसको डाइल्यूट करने के लिए लोग झूठा नरेशन फैला रहे हैं उनको मारेगा, उनको कोई नहीं मारा है। जेनू का जो कल्चर है, जो इथोस है, हम लोग उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं बार बार कि यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, जो जो डिबेट और डिस्कशन का जो जो यहाँ कल्चर है उसको हम लोग बार बार कर रहे हैं। और आज भी देखिए, आज हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक पीसफुली तरीके से, और हम लोग मार्च कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि दंगाई कौन है और जो कॉन्स्टिट्यूशन को कौन अपहोल्ड करना चाहता है, उसके वैल्यूज को कौन अपहोल्ड करना चाहता है। जो हम लोग जो लेफ्ट प्रोग्रेसिव स्टूडेंट हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करना चाहते हैं, जबकि जो एवीपी के लोग हैं वो लोग वायलेंस करना चाहते हैं, और हम लोग उनको खारिज करते हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।